जी हाँ दोस्तों, वेलकम टू खुश आमदेद, वेलकम टू फिल्मी बातें विद द फिल्मी तालीम। दोस्तों, फिल्म फॉर अवार्ड की घोषणा हो चुकी है, इसका ताज़ी जो कार्यक्रम हुआ गुजरात में, और 2023 में शाहरुख ने फिल्म की दुनिया में अच्छी खासी अर्निंग की, बेताज बादशाह थे, और वो दुनिया भर से लगभग 2600 करोड़ की कमाई की जवान, पठान और डंकी में। इसके बावजूद भी उस इंसान को फिल्म फॉर अवार्ड नहीं मिला, और मिला तो किस किस को मिला, एक एक करके बात करती है दोस्तों। सबसे पहले बेस्ट फिल्म का जो अवार्ड मिला विधु विनोद चोपड़ा के 12 फेल मूवी को, और इसके बाद जो बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला उसमें भी 12 फेल मूवी के डायरेक्टर विधु विनोद चोपड़ा ने ही बाजी मारी। इसके बाद बेस्ट फिल्म क्रिटिक्स बेवसीस मकीजा के जोरम को मिला। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल एनिमल के रणबीर कपूर को मिला। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स, जी हाँ दोस्तों, विक्रांत मेसी को ये अवार्ड मिला। बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स चॉइस, रानी मुखर्जी मिसेस चटर्जी ऑफ नॉर्वे और सेफालिसा थ्री ऑफ आर्ट्स। बेस्ट एक्टर सपोर्टिंग रोल मेल विकी कौशल को मिला। बेस्ट एक्टर लीडिंग रोल फीमेल शबाना आजमी को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए। बेस्ट म्यूजिक एल्बम का अवार्ड एनिमल के म्यूजिक प्रीतम को मिला। बेस्ट सिंगर मेल भूपेंद्र बब्बल को मिला, वो भी अर्जुन वेली गाने के लिए। बेस्ट सिंगर फीमेल शिल्पा राव को मिला दोस्तों, बेशरम रंग गाने के लिए। आपने सुने होंगे बेशरम रंग गाना जो आया था, बहुत सारे लोग ने उस पर बैकवर्ड क्वार्ट डाला था। दोस्तों, अनरिवार्ड्स की बातें एक बार फिर से बात कर लेते हैं। बेस्ट स्टोरी अमित रॉय को ओएमजी के लिए। बेस्ट स्क्रीन प्ले विधु विनोद चोपड़ा को। बेस्ट डायलॉग आशिता भोयत्रा को और रॉकी एंड रानी के लिए। बेस्ट बैकग्राउंड स्क्रोर हर्षवर्धक रामेश्वर को फॉर एनिमल के लिए। वेलकम टू खुश आमदेद फिल्मी बातें विद द फिल्मी तालीम। दोस्तों, एमडी अख्तर को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।